टाइम हो चुका है 8:30 और हम रुके हैं यहाँ पे चोपटा के पास। यहीं से तुंगनाथ को रास्ता जाता है। चोपटा वैसे यहाँ से 1-2 किलोमीटर पीछे रह गया, बट तुंगनाथ के द्वार जो है आज बंद हो जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा आगे आगे धूप वाली जगह पे यहीं पे अभी नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से आगे जाएंगे हम बद्रीनाथ के लिए। तो हम इस टाइम गोपेश्वर जगह पे पहुंच गए और यहीं पे है गोपेश्वर धाम मंदिर। इस तरफ नीचे जा रहा रास्ता बाजार में और इधर से उक्की मठ गुप्त काशी केदारनाथ का रास्ता जा रहा है और ये चला गया बद्रीनाथ। और बाइक में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवा के सर्विस वगैरह करवा रहा हूँ तो 1/2 घंटा लग जाएगा अब हमें यहाँ पर। चलो सर्विस करवा के फिर यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो चुका है 3:30 और हम पहुंच चुके हैं मान्ना विलेज जो बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे है। और बद्रीनाथ हम अभी रुके नहीं, पहले मान्ना विलेज ही आए क्योंकि वहां मंदिर के अभी दर्शन बंद हो रखे थे। ये आ चुका है भीम पुल और लास्ट ईयर भी मैं आया था इसी जगह में तो उस टाइम काफ़ी क्राउड था यहाँ पर, बट इस बार अभी तक ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही मुझे कि यहाँ भीड़ होगी। आगे ऊपर वसुधारा का रास्ता है और यहीं पे है सरस्वती माता की ये मूर्ति बनी हुई है और ये है सरस्वती आ रही है नदी यहाँ से और यहीं पे विलुप्त हो रही है। यहाँ पे सरस्वती मंदिर बन चुका है, लास्ट ईयर अभी बन रहा था, ये इसी साल खुला है और ये हिंदुस्तान की पहले अंतिम दुकान थी, अभी इस बार प्रथम दुकान कर दिया और इस मान्ना विलेज को भी अंतिम की जाए प्रथम नाम दे दिया, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। यह भारत की प्रथम चाय की दुकान जो पहले अंतिम थी, यहाँ मैंने लास्ट टाइम स्टिकर चिपकाया था अपना जो अब है नहीं, उतार दिया होगा। और लास्ट ईयर जब मैं आया था काफ़ी भीड़ थी, इस बार ज़्यादा क्राउड है नहीं यहाँ पे। यहाँ बनी हुई है वेद व्यास जी की गुफा और थोड़ा सा नीचे जाके पास में बनी हुई है गणेश जी की गुफा। कहा जाता है यहीं पर ही गणेश जी ने महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी के कहने पर। बाकी सारी हिस्ट्री इस गांव की और बद्रीनाथ की मैं अपने लास्ट ईयर के व्लॉग में सब डिटेल में बता चुका था, इसलिए इस बार मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। चलो जय महादेव। ये है गणेश गुफा। जय महादेव। ओम गणपति नमो नमः। यह भारत का प्रथम गांव जो पहले अंतिम था अब प्रथम हो चुका है। चलो यहाँ से करते हैं गुड बाय और चलते हैं बद्रीनाथ। यहाँ बनी हुई है पार्किंग मंदिर के बिल्कुल पास में, यहाँ कर दी मैंने बाइक पार्क और यहाँ से जहाँ ये लाइट्स जल रही है यहाँ है मंदिर। चलो चलते हैं मंदिर में। तो ये है मंदिर के पास की मार्केट और ये है सामने बद्रीनाथ मंदिर। लाइटिंग ज़्यादा हो रखी है, पिछली बार भीड़ कम थी, इस बार ज़्यादा लग रही है। यहाँ नीचे बना हुआ तप्त कुंड गर्म पानी का, जैसे गौरी कुंड में केदारनाथ में वैसे यहाँ पे भी है। कहा जाता है कि यहाँ नहाने से चरम रोग जो बॉडी का कोई रोग होता है वो ठीक हो जाता है, गर्म जल का कुंड बना हुआ है और ऊपर बना हुआ मंदिर। यहाँ भी इस टाइम केदारनाथ वाला सीन कर रखा है, दोपहरे बाद जो भी है पर्ची लेके अंदर
मूर्ति तक जा सकेंगे। ये वीआईपी लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी। हमारी जो लाइन थी उसे बिल्कुल बाहर से ही गेट से ही बाईपास कर दिया था, तो मेरे तो दर्शन हो भी नहीं पाए अच्छे से। पिछली बार अच्छे से हो गए थे, तो दिन में शायद 2 या 3 बजे से पहले पहले जो आएंगे उनको मूर्ति तक जाने देंगे, उसके बाद सिर्फ वीआईपी लोगों को ही जाने देते हैं। उसके लिए पर्ची लेनी पड़ती है कुछ अमाउंट देकर। जय महादेव। सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं और मैं आ गया फिर से एक बार मंदिर में माथा टेकने के लिए। पर उससे पहले मैं तप्त कुंड में वहाँ पे नहा के फिर मंदिर अंदर जाऊँगा माथा टेकने। चलो चलते हैं। जय महादेव, जय बद्री विशाल। सुबह की भीड़ कल से ही बहुत ज़्यादा है और यहाँ खाली है, कल यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ जी का जल इसमें लेने के बाद लास्ट धाम जो बद्रीनाथ है, अब यहाँ से जो तप्त कुंड है इसमें जल ऐड करके हमारे चारों धाम कंप्लीट हो जाएंगे और चारों धाम का इसमें जल इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास। और यहीं पे माँ अलकनंदा जी का जल भी इसमें डाल लेते हैं, जो आगे जाके अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा माँ बनाते हैं, तो ये अलकनंदा ही जाके भागीरथी से मिलती है। जय माँ गंगे। टाइम हो चुका है 11 बज गए और बद्रीनाथ से निकल पड़ा हूँ मैं जस्ट अभी, बस बद्रीनाथ पीछे ही रह गया। और अगर आप यहाँ रहे, पेट्रोल पंप नेटवर्क वगैरह प्रॉपर है यहाँ पे, और बीच बीच में थोड़ी दिक्कत आती है बट पेट्रोल पंप अभी पीछे है, वहाँ से तेल वगैरह डलवा के चलो यहाँ से प्रॉपर। अब यहाँ से अब जाके हम रुकेंगे सीधा धारी देवी मंदिर, 5 घंटे का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है और उसके बाद 8-9 घंटे का ऋषिकेश दिखा रहा है। चलो यहाँ चलते हैं धारी देवी मंदिर के पास, वहीं पे मत्था टेकने के बाद ये चार धाम की यात्रा संपन्न होती है, तो वहीं चलते हैं। जय महादेव, जय माता दी।